हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हो बेटा? बहुत अच्छे हो बेटा। आज हम क्या शुरू करने जा रहे हैं? आज हम 11th क्लास का चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, 11th क्लास की मैथमेटिक्स शुरू करने जा रहे हैं। तो सारे बच्चे जो 10th से 11th में जा चुके हैं या जिन्होंने एग्ज़ाम दे दिया है 10th का, वो 11th में जाने वाले हैं, ठीक है? तो आप लोग भी घर में बेटा अभी खाली बैठे हुए हो, और खाली ना बैठ के आप 11th क्लास की तैयारी शुरू करो। स्लो बाय स्लो एक सब्जेक्ट तो करो, कम से कम मैथ्स तो करो। तो हम यह मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री तीनों करो। तो मैथ्स हम शुरू करने जा रहे हैं आज। 11th क्लास का पहला चैप्टर आप शुरू करो सेट। तो बेटा सेट चैप्टर में पहली दो तीन एक्सरसाइज जो है वो बहुत सिंपल हैं, बहुत ओरल हैं, ओरली एक्सरसाइज हैं। उसके लिए आपको कुछ बेसिक टर्म्स आपको समझा रहा हूँ, ठीक है? मैं आपका टीचर एसके जोशी। आप बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। और फिर मैं मैथ के आपको सारे चैप्टर वन बाय वन क्लियर कराऊंगा यूट्यूब में, ठीक है? तो हम मैथ का पहला चैप्टर शुरू कर रहे हैं। मैथ का पहला चैप्टर है बेटा सेट्स। मैथ के पहले चैप्टर का नाम है सेट्स। अब आज हम ये टॉपिक पढ़ेंगे कुछ। सेट्स हो गया, सिंबल ऑफ सेट्स, एलिमेंट्स से मेंबर ऑफ सेट्स हो गया, ये हमारे पास बिलोंग्स टू साइन क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। तो ये फाइव टॉपिक हम पहले इस वीडियो में क्लियर करेंगे। ये बेसिक टॉपिक है, ठीक है? अगर मैं सेट्स की बात करूं तो सेट्स का मतलब होता है अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, या तो ऑब्जेक्ट हो, नंबर्स या नंबर हो, या फंक्शन हो। किसी फंक्शन का, नंबर का या ऑब्जेक्ट का वेल डेफिनेशन, वेल डिफाइंड कलेक्शन जो होता है, दैट इज नॉन सेट। अब आता है कि सर ये वेल डिफाइंड का मतलब क्या है। अब देखो, वेल डिफाइंड का मतलब हम अब कुछ एग्जांपल लेके वो करते हैं। मैं बोलता हूं कि नंबर ऑफ मेल्स इन माय फैमिली, नंबर ऑफ मेल्स इन माय फैमिली, मैं अपनी फैमिली की बात कर रहा हूं, यहां पर कितने मेल रहते हैं। तो मेरे को पता है हमारी फैमिली में दो मेल हैं, एक तो मैं हूं माई सेल्फ, एक तो मैं हो गया और एक हो गया माई सन, मेरा बेटा। तो हमें यहां पर पता चल गया कि हमारे फैमिली में, हमारी जो मेरी फैमिली जो है उसमें दो मेल हैं। तो ये वेल डिफाइन है कि हमने मेल ढूंढने। सपोज दैट मैं बोलता हूं कि नंबर ऑफ बॉयज ऑफ योर क्लास, मैं बोलता हूं तुम्हारी क्लास के नंबर ऑफ बॉयज, आपकी क्लास के नंबर ऑफ बॉयज। तो आपको पता हमारी क्लास में 20 या 23 या 30, जितने भी आपकी क्लास में बॉयज हैं, तो आपको एग्जैक्टली पता है। वेल डिफाइन क्या है, हमारे पास नंबर ऑफ बॉयज है तो हम उसमें से नंबर ऑफ बॉयज ही ले रहे हैं, नंबर ऑफ गर्ल्स नहीं ले रहे हैं, कोई और चीज नहीं ले रहे हैं। तो हमारे पास वेल डिफाइन है कि हमने क्या लेने, बॉयज। मैं बोलता हूं कि बेटा सारे बॉयज नीचे आ जाओ, हमारी क्लास के सारे बॉयज, मानो सपोज दैट 10th ए है, मैं बोलता हूँ 10th ए के सारे बॉयज नीचे आ जाओ। तो वेल डिफाइन है कि सारे बॉयज को ग्राउंड में बुलाया गया 10th ए के। तो क्या हो रहा है, हमारे पास उसी क्लास के सारे बॉयज आ रहे हैं। तो वेल डिफाइन किया गया, पहले अनाउंस किया गया कि 10th ए के बॉयज आ जाए। ये बात आ गई समझ में? जैसे मैं बोलता हूं बेटा कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, दिस चैप्टर, मैं बोलता हूं इस चैप्टर में नंबर ऑफ क्वेश्चन इस चैप्टर के। तो वेल डिफाइन किया गया मेरे को क्वेश्चन लेने, और कौन से चैप्टर के लेने, सेट चैप्टर के, फ्रॉम एनसीईआरटी बुक। कहां से लेने मेरे को, एनसीईआरटी बुक, एनसीईआरटी बुक से लेने। तो मेरे पास वेल डिफाइन है, ठीक है? जैसे मैं बोलता हूं बेटा, एक और एक आधा एग्जाम्पल और ले लेते हैं, रिवर्स ऑफ इंडिया। तो इंडिया के हमने नदियों की बात करी कि इंडिया में कौन सी नदी, तो ये भी हमारे पास वेल डिफाइन है। तो सर फिर सेट क्या नहीं होता, किस चीज में आता है कि सेट नहीं है? अगर मैं बोलता आपको कि सपोज दैट मैं बोलता हूं बेस्ट 5 क्रिकेटर्स, बेस्ट 5 प्लेयर्स ऑफ इंडिया, बेस्ट 5 प्लेयर्स ऑफ इंडिया, अब मैंने बेस्ट 5 प्लेयर्स ऑफ इंडिया बोल दिया तो ये सेट नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा सर सेट, क्योंकि बेस्ट 5 प्लेयर्स ऑफ इंडिया मैंने बोला तो मैंने ये डिफाइन नहीं किया वो प्लेयर्स क्रिकेट के हैं, वो प्लेयर्स बैडमिंटन के हैं, वो प्लेयर्स टेबल टेनिस के हैं, वो किस कैटेगरी के हैं, वो बैट्समैन हैं या वो बॉलर हैं या क्या हैं। तो ये यहां पर सेट नहीं है, क्योंकि यहां पर वेल डिफाइन नहीं किया गया बेस्ट 5 प्लेयर्स ऑफ इंडिया। तो मेरे को ये नहीं पता ये किस चीज के हैं, तो हम इसको सेट नहीं बोल सकते। जैसे मैं बोलता हूं कि बेस्ट बेस्ट 3 बॉयज
बेस्ट थ्री बॉयज ऑफ योर क्लास, मैं बोलता हूं कि आपकी क्लास के थ्री बेस्ट बॉयज। अब यहां पर भी सेट नहीं है, मैंने बोला आपकी क्लास के थ्री बेस्ट बॉयज, मैंने ये नहीं बोला कि आपकी क्लास के थ्री बेस्ट बॉयज जो हैं वो मैथमेटिक्स वाले चाहिए मेरे को, जो मैथ में बहुत अच्छे हों, मेरे को वो चाहिए जो साइंस में बहुत अच्छे हों, मेरे को वो चाहिए जो ड्राइंग में बहुत अच्छे हों, या मेरे को वो चाहिए जो लड़ने में बहुत अच्छे हों। तो मैंने यहाँ पर डिफाइन नहीं किया है कि हमारे पास थ्री बॉयज जो हैं वो कौन से अच्छे चाहिए, तो यहाँ पर ये सेट नहीं है। यानी अगर वेल डिफाइन नहीं किया गया है तो वो सेट नहीं है। अब मैं आप लोगों से पूछता हूं, मैं बोलता हूं बेस्ट बुक ऑफ इंडिया, इज इट सेट? फटाफट आंसर दो, क्या ये सेट होगा? नो, इट इज नॉट सेट, क्योंकि मैंने बताया नहीं। मैंने कहा बेस्ट बुक ऑफ इंडिया, मैंने ये नहीं बोला बेस्ट बुक ऑफ इंडिया किस चीज की चाहिए मेरे को, रिलीजियस वाली चाहिए मेरे को, मैथमेटिक्स वाली चाहिए मेरे को, साइंस वाली चाहिए मेरे को, फिजिक्स वाली चाहिए, मैंने कुछ नहीं बोला। तो इट इज नॉट सेट, ठीक है। मैं अगर बोलता हूं कि नेचुरल नंबर, इज इट सेट? नेचुरल नंबर, बिल्कुल करेक्ट बेटा, नेचुरल नंबर सेट है, क्योंकि अगर नेचुरल नंबर की बात करें तो 1, 2, 3, 4, 5, इनको कैसे रिप्रेजेंट करती है हम बाद में बात करते हैं, लेकिन नेचुरल नंबर में हमें पता है काउंटिंग नंबर है, तो इट इज सेट। अगर मैं बोलता हूं कि सपोज दैट मैं बोलता हूं मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड, इज इट सेट? फट से आंसर दो सब, फटाफट। नो, इट इज नॉट सेट। मोस्ट डेंजरस एनिमल मैंने बोला है, कुछ को तो रेंगने वाले जानवर ज्यादा डेंजरस लगेंगे, कुछ को शेर ज्यादा डेंजरस लगेगा, कुछ को सांप ज्यादा डेंजरस लगेगा, कुछ हाथी को बोलेंगे। तो यहां पर मैंने वेल डिफाइन नहीं किया कि मेरे को कौन सी कैटेगरी के मोस्ट डेंजरस एनिमल चाहिए, तो इट इज नॉट अ सेट। थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट क्लियर हुआ कि सेट किसको बोलते हैं? मैं बोलता हूं नंबर विच आर डिविजिबल बाई टू, इज इट सेट? यहां पर सेट होगा, नंबर विच आर डिविजिबल बाई टू, टू हो गया, फोर हो गया, सिक्स हो गया, तो इट इज अ सेट, ठीक है। मैं बोलता हूं आपको नॉवेल्स रिटन बाई मुंशी प्रेमचंद, इज इट सेट? क्या नॉवेल्स रिटन बाई मुंशी प्रेमचंद सेट है? बिल्कुल सही बोले आप, नॉवेल्स रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद सेट होगा, क्योंकि मुंशी प्रेमचंद ने फिक्स नॉवेल्स लिखी होंगी और वो हमें पता होगा, तो ये हमारे पास सेट होगा। तो मेरे को ख्याल से कंसेप्ट क्लियर हो गया, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, ये नंबर्स हो सकते हैं, ये फंक्शन भी हो सकते हैं। मैं बोलता हूं राइट सिक्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, तो आपने सिक्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में छह के छह लिख दिए कि सर साइन थीटा होता है, कॉस थीटा होता है, टेन थीटा होता है, सेक थीटा होता है, कॉसेक थीटा होता है और कॉट थीटा होता है, मैंने ये लिख दिया, तो हम बोल सकते हैं कि इट इज सेट। तो आप लोगों को ये क्लियर हो चुका है कि वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स हो या वेल डिफाइंड हमारे पास फंक्शन हो या नंबर हो, उसको क्या बोलते हैं? सेट। वेल डिफाइंड होना चाहिए, ठीक है। अच्छा जी, सेट क्या होता है ये आप लोगों को क्लियर हो गया, सेट क्या होता है। उसके बाद अगर हम चलेंगे कि सिंबल ऑफ सेट, सेट का सिंबल, हम सेट को किससे डिनोट करते हैं, तो सेट को हम कैपिटल अल्फाबेट से डिनोट कर देते हैं, ए बी सी डी, जो कैपिटल अल्फाबेट है, या एक्स हो गया, वाई हो गया और जेड हो गया, तो जो कैपिटल लेटर्स है उनको हम सेट को डिनोट करते हैं। यह बात आ गई समझ में? दूसरा कि सेट को हम रखते कैसे हैं, हम हमेशा सेट को बेटा कर्ली ब्रैकेट में रखेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, ये हमारे पास सेट हो गया। ये जो सेट होगा ये हमारे पास किस में होना चाहिए? कर्ली ब्रैकेट में होना चाहिए सेट। तो हमारे पास ये, इसको मतलब रिप्रेजेंट हम स्मॉल ब्रैकेट में भी नहीं करते हैं, इसको हम कैपिटल ब्रैकेट में भी नहीं करते हैं, इसको हम किस में करेंगे? ये जो कर्ली ब्रैकेट आती है, ये मैं बोलता हूं सेट बी, सेट बी के अंदर मैंने लिख दिया कुछ भी हम लिख सकते हैं, यहां पे मैंने लिख दिया राम सीता, सेट हो गया हमारे पास। ये मैंने यहां पे लिख दिया 2 और 6, तो ये सेट हो गया। तो ये जो कर्ली ब्रैकेट है इसमें हम सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। ये बात आपको सबको समझ में आ गई? अब ये जो सेट के अंदर है ये वाले 1, 2, 3, 4, 5, इनको हम बोलते हैं बेटा एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं? ज्यादातर हम एलिमेंट्स बोलते हैं, इनको हम मेंबर्स भी बोल सकते हैं, मेंबर्स भी बोल सकते हैं, या इनको हम ऑब्जेक्ट्स भी बोल सकते हैं, एलिमेंट, मेंबर या ऑब्जेक्ट, लेकिन हम नॉर्मली एलिमेंट बोल के चलते हैं। जैसे मैं बोलूंगा कि सेट 8 के जो एलिमेंट है वो है 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 आर द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। ये बात आ गई समझ में? इन एलिमेंट्स को, जो एलिमेंट्स होते हैं इनको हम स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं, ए बी सी एक्स वाई और जेड।
तो ये मेरे को बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि अगर मैं सेट को लिख रहा हूं तो सेट को लिखूंगा मैं कैपिटल लेटर से, और अगर एलिमेंट्स को लिख रहा हूं तो मैं लिखूंगा स्मॉल अल्फाबेट से। यहां तक बात आ गई समझ में आपको? सेट क्या होता है? सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, नंबर और फंक्शन। क्लियर हो गया? सिंबल कैपिटल लेटर से, और सेट को हम कर्ली ब्रैकेट में डिनोट करते हैं। ये बात आ गई। दूसरा आ गया एलिमेंट्स, इनको हम बोलते हैं एलिमेंट्स, मेंबर या ऑब्जेक्ट्स। ठीक है यहां तक? अब इसके बाद यहां तक क्लियर हो चुके आप लोगों को? तो ये मैं रेज कर देता हूं। इसके बाद की अगर मैं बात करता हूं बेटा, तो इसके बाद हम चलते हैं एक स्पेशल सिंबल पे। वो सिंबल ये इस ऐसे बनाओ और ऐसे बना दो, मतलब कुछ ऐसे बनाओ ऐसे और इसके बीच में से एक डंडा खींच दो। तो इस सिंबल का जो नाम है वो है एप्सिलॉन। एप्सिलॉन सिंबल हमारे पास है, और इसको हम बोलते हैं बिलोंग्स टू। क्या बोलते हैं? बिलोंग्स टू। पढ़ते हैं हम इसको बिलोंग्स टू, पढ़ते हैं हम इस बिलोंग्स टू, लेकिन इस सिंबल का जो अपना नाम है दैट इज एप्सिलॉन। ठीक है? जैसे मैं एक सेट की बात करूं 1 2 3 4, तो मैं बोलूंगा इसमें 3 बिलोंग कर रहा है सेट ए में। मैं इसको ऐसे पढ़ूंगा 3 बिलोंग्स टू सेट ए। 3 जो है वो सेट ए के अंदर है। या इसको एक तो पढ़ते हैं 3 बिलोंग्स टू सेट ए, या इसको पढ़ते हैं 3 इज एलिमेंट ऑफ सेट ए। दोनों तरीके से मैं पढ़ सकता हूं इसको, 3 बिलोंग्स टू सेट ए या 3 इज द एलिमेंट ऑफ सेट ए। तो ये सिंबल कहलाता है हमारे पास बिलोंग्स टू। अगर मैं इसी को यहां पर बिलोंग्स टू, जैसे मैं बोलूंगा इसके अंदर 7 नहीं है, नहीं है ना, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं 7 does not belongs to set A। इसका मतलब 7 सेट A के अंदर नहीं है। या मैं लिखता हूं यहां पर 10 does not belongs to set A, 10 सेट A के अंदर नहीं है। ये बात आ गई समझ में? या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, यहां पे बोलूंगा कि 1 belongs to set A। पढ़ना सबको आ गया? 1 belongs to set A मतलब 1 सेट A के अंदर बिलोंग करता है। बिलोंग्स मतलब उसके अंदर है, ये 1 इसके अंदर है, 10 इसके अंदर बिलोंग नहीं करता, 10 does not belongs to, इसका मतलब इसके अंदर नहीं है। तो ये सिंबल आपको क्लियर हो गया, सिंबल का नाम क्या है? एप्सिलॉन। और इस सिंबल को क्या पढ़ते हैं? बिलोंग्स टू। 3 belongs to set A, 1 belongs to set A, 7 इसके अंदर नहीं, तो 7 does not belongs to set A और 10 does not belongs to set A। यहां तक की बात क्लियर हो गई। अब आता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। सेट को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, सेट को लिखने के क्या क्या तरीके हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट मतलब सेट को हम कैसे कैसे लिखते हैं, कौन कौन सी फॉर्म में हम सेट को लिखते हैं। तो सेट को लिखने के 2 तरीके हैं, एक है रोस्टर फॉर्म और दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर और सेट बिल्डर फॉर्म। अब रोस्टर फॉर्म का मतलब क्या है? देखो जी, रोस्टर फॉर्म, सेट को जब मैं डिजिट में लिखता हूं, मैं बोलता हूं सेट ए 1 2 3 4 डैश डैश डैश, इसका मतलब मैंने सेट ए किस चीज का बनाया? सेट ए बनाया, इट इज द सेट ऑफ द नेचुरल नंबर। सेट ए जो है वो नेचुरल नंबर का है। तो इसका मतलब हो गया, इसको हम बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। जब सेट को हम डिजिट के अंदर लिखेंगे तो उस फॉर्म को हम बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। पता चला? या मैं बोलता हूं सेट बी इज 2 4 6 8, तो मैंने क्या लिखा यहां पर कि सेट बी जो है वो 2 4 6 8 है। 2 का मल्टीपल है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8, 2 का मल्टीपल है। तो ये जो डिजिट में लिखा जाएगा, संख्याओं में जो लिखा जाएगा, दैट इज नॉन सेट बिल्ड, सॉरी रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म व्हेन सेट इज रिटन इन दी डिजिट। और हर एक एलिमेंट के बीच में कॉमा होना चाहिए बेटा, ईच एंड एवरी एलिमेंट इज सेपरेटेड बाय दी कॉमा। यहां तक क्लियर? दूसरा फॉर्म आता है हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है? सेट को हम बिल्डअप करके लिखते हैं, यानी लैंग्वेज के अंदर लिखते हैं, इंग्लिश के अपने अपने वर्ड्स में लिखते हैं, उसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। बिल्डअप, बिल्डिंग करके, बिल्डिंग ब्लॉक्स बना के, यानी उसको लैंग्वेज में लिखा जाता है। जैसे मैं लिखूंगा एक सेट ए, यहां पे लिखूंगा एक्स इज सच दैट, इसको पढ़ते हैं एक्स इज सच दैट। एक्स इस प्रकार से है, स्मॉल एक्स है, इसका मतलब एलिमेंट की बात कर रही है ना?
स्मॉल लेटर से हम एलिमेंट को बात लिखते हैं ना, और कैपिटल से हम, तो सेट ए के अंदर जो एलिमेंट है एक्स, एक्स इज सच दैट एक्स इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। सिंपल सा एग्जांपल दिया है, इसको अभी हम थोड़ा और देखेंगे मॉडिफाई करके कैसे कैसे बन सकता है, पर एक्स इज सच दैट इसके अंदर के जो एक्स हैं वो क्या बोल रहा है, एक्स इज अ सेट ऑफ द नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर का सेट है। तो अगर मैं ऐसे लैंग्वेज में लिखूं तो उसको बोलते हैं क्या, सेट बिल्डर फॉर्म, और अगर हम ऐसे लिखें तो उसको बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। ठीक है, ये आपका बेसिक था। अब हम पॉइंट वन एक्सरसाइज शुरू करते हैं, तो बहुत सिंपल सी है, उसको देखो। ठीक है, हाँ। तो बेटा उसके बाद आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इतना बड़ा क्वेश्चन बोर्ड पे नहीं लिखा जा सकता, सो फटाफट अपनी एनसीईआरटी निकालो और मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, एनसीईआरटी में पहला क्वेश्चन जो है, पहले क्वेश्चन में बोल रहा है बेटा कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट, इनमें से सेट कौन है, जस्टिफाई करना है। द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ ऑफ अ ईयर बिगनिंग विद द लेटर जे, जो मंथ, एक साल के जो मंथ होते हैं बिगनिंग विद द लेटर जे, हमें पता है बेटा जनवरी होता है, जून होता है, जुलाई होता है, तीन मंथ आ गए। तो ये हमारे पास वेल डिफाइन है कि कौन से हमें मंथ लेने हैं जो जे से शुरू होते हैं। तो इज इट सेट और नॉट, यस एब्सोल्युटली राइट, इट इज सेट। दूसरा है बेटा द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया, 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया इज नॉट अ सेट। क्यों, उसने ये नहीं बताया ये राइटर जो होते हैं वो टैलेंटेड कौन से फील्ड के चाहिए उसे। एक होता मीडिया है ना, एक होता मैंने न्यूज़पेपर वाले राइटर हो गए, एक होता मैगजीन वाले हो गया, एक हो गया हमारे पास मेन कोर्स मैथमेटिक्स कोई साइंस का। तो उसने ये कैटेगरी वेल डिफाइन नहीं करी है, सो इट इज नॉट अ सेट। तीसरा पार्ट है बेटा, अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। अब ये भी हमारे पास सेट नहीं है क्योंकि इसमें भी वेरिएबल होता है, क्रिकेट बैट्समैन हर रोज लगभग लगभग चेंज होते रहते हैं, उनके 10 की अगर मोस्ट टैलेंटेड बैट्समैन देखो तो उनकी रैंकिंग चेंज होती रहती है हर एक मैच के बाद। सो इट इज नॉट अ सेट, पर्टिकुलर टाइम हमें पता नहीं कब की बात चल रही है। द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज ऑफ योर क्लास, इट इज सेट। तो मेरे ख्याल से पहला क्वेश्चन आप फटाफट करो, ऐसे ही करना है, पता चल चुका होगा कौन सा सेट और कौन सा नहीं। कोई नहीं आएगा तो आप मेरे को कमेंट्स कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आता है बेटा हमारे पास सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में एक सेट दे रखा है A 1 2 3 4 5 6, कह रहा इंसर्ट द सिंबल ऑफ बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू हमने अभी पढ़ा। तो 5 बिलोंग्स टू A, 5 A के अंदर है या नहीं है, ये रहा 5 हमारे पास A के अंदर है, तो यहां पर हम सिंबल लगाएंगे बेटा बिलोंग्स टू। ठीक है, 8 A बिलोंग्स टू आएगा या डज नॉट बिलोंग्स टू, इसमें 8 नहीं है तो क्या आएगा हमारे पास, डज नॉट बिलोंग्स टू। ऐसे यहां पर 0 नहीं है तो क्या आएगा बेटा, डज नॉट बिलोंग्स टू। 4 इसके अंदर आ रहा है ना 4, तो मैं लिखूंगा 4 बिलोंग्स टू सेट A, या मैं इसको पढ़ूंगा 4 इज द एलिमेंट ऑफ सेट A। 2 इसके अंदर आ रहा है तो मैं लिखूंगा यहां पर 2 बिलोंग्स टू सेट A, 2A के अंदर आ रहा है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में लिखना है, रोस्टर फॉर्म मतलब इनको डिजिट में बना के लिखना है ना, ये सेट बिल्डर में दे रखा है। रोस्टर फॉर्म जो डिजिट लिखी जाती है कॉमा से जो सेपरेट की जाती है उनको बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। एक्स इज, इसको पढ़ते हैं बेटा, ए इक्वल्स टू एक्स इज सच दैट एक्स, इसके अंदर के जो एलिमेंट है वो इस टाइप से हैं, एक्स इज सच दैट एक्स इज एन इंटीजर, इंटीजर है, एंड एक्स इज ग्रेटर देन -3 एंड लेस देन 7। देखो बेटा -3 और 7 यहाँ पे इंक्लूड नहीं होंगे क्योंकि अगर यहाँ इक्वल टू होता तब मैं -3 भी लेता, और यहाँ इक्वल टू होता ऐसे इक्वल टू लेस देन इक्वल टू होता तो 7 भी लेता, लेकिन ये दोनों इंक्लूड नहीं है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सेट ए। इसके लिए मैं इसका लिखता हूँ यहाँ पे, सेट ए के अंदर हुआ हमारे पास -3 से बड़ा -2 हुआ, -1 हुआ, 0 1 2 3 4 5 और 6 आएगा, 7 नहीं आएगा क्योंकि यहाँ इंक्लूड नहीं है, इक्वल टू नहीं है। तो -3 से और 7 के बीच के हमने नंबर लिख दिए। एक्स इज सच दैट एक्स इस प्रकार से, जो एलिमेंट इस प्रकार से है, एक्स इज सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो नेचुरल नंबर लेस देन 6 इसको बी सेट से लिख देता हूं मैं। 6 से छोटा नेचुरल नंबर कहां से शुरू होते हैं, नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं, तो 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया और 5 आ गया। उसने बोला था नेचुरल नंबर लेस देन 6 हमने लिख दिया। एक्स इज सच दैट एक्स इज 2 डिजिट नंबर, कहां से शुरू होते हैं 2 डिजिट नंबर बेटा, 10 से शुरू होते हैं और कहां तक जाते हैं, 99 तक जाते हैं, 99 तक। तो 10 से और 99 वाले नंबर हमें लिखने हैं,
आगे बोल रहा है सच दैट द सम ऑफ डिजिट, उन दोनों डिजिट का सम 8 होना चाहिए। कैसे 8 होना चाहिए? जैसे मैंने बोला एक हो गया 17 भाई, 10, इन दोनों का सम 8 हो रहा है, बाकी 10 11 12 किसी का 8 नहीं होगा, 17 हो गया, दोनों का सम कितना हो रहा है 8। एक मैंने ले लिया 26, दोनों का सम कितना हो गया 8, 2 प्लस 6 8। एक ले लिया मैंने 35, 8 हो गया, 44 हो गया, 53 हो गया 62 हो गया, 71 हो गया और 80 हो गया। तो ये मैंने एक सेट ले लिया, यहाँ क्लोज कर देंगे हम ब्रैकेट। ये सेट इन सब का सम जो क्या आ रहा है, हमारे सारे के सारे टू डिजिट नंबर भी हैं और सब का सम 8 भी आ रहा है, 7 1 8 2 6 8 3 5 8 ऐसे बेटा। अगला हम यहाँ ले लेते हैं इसको, ई हमने मान लिया, ई हमारे पास दे रखा है क्या, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री के सारे लेटर लेने हमने, तो हम कॉमा से सेपरेट करेंगे। और सेट की एक खूबी होती है बेटा, सेट में कोई नंबर रिपीट नहीं होता, यहाँ जैसे 1 है तो 1 दोबारा नहीं आ सकता, कोई भी नंबर रिपीट नहीं होता। तो मैं यहाँ पे टी ले लूंगा, टी लिया मैंने पहला लेटर, फिर कॉमा लगाया, आर ले लूंगा कॉमा लगाया, आई ले लूंगा कॉमा लगाया, जी ले लूंगा कॉमा लगाया, ओ ले लूंगा फिर कॉमा लगाया, एन ले लूंगा फिर कॉमा लगाया। अब ओ दोबारा आ गया तो दोबारा नहीं लेंगे हम किसी को, एक ही बार, ठीक है। अब एम मैंने ले लिया, एम ई, एम के बाद ई ले लिया, ठीक है। अब टी दोबारा आ गया, आगे दोबारा तो दोबारा नहीं लेंगे, आर दोबारा आ गया तो दोबारा नहीं लेंगे, और ये हो गया वाई। ये बात आगे समझ में, इसके बाकी के पार्ट करो फटाफट, फिर आगे बताता हूं। हाँ तो बेटा उसके बाद आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है राइट द फॉलोइंग सेट इन टू सेट बिल्डर फॉर्म, इनको लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म यानी लैंग्वेज बना के लिखना हमने इनको, है ना। अब अगर मैं पहला क्वेश्चन देखूं, इसका पहला पार्ट, तो वह है 3 6 9 12। अब मेरे को दिख क्या रहा है, मेरे को ऐसे दिख रहा है 3 1 3 3 2 6 3 3 9 3 4 12, यानी मेरे को 3 का मल्टीपल लग रहा है, 3 के साथ नेचुरल नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 1 2 3 4, 3 का मल्टीपल। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, सेट ए, यहां पे मैंने लिखा x इज सच दैट, x इस प्रकार से है कि जो x एलिमेंट इस प्रकार से है कि x इक्वल टू 3n, x जो है वो 3n की फॉर्म में है, ये x है बेटा, x x इक्वल टू 3n, x इज सच दैट x इक्वल टू 3n, 3n मतलब 3 और नेचुरल नंबर मल्टीप्लाइड होते हैं। एंड उसके बाद मैंने लिखा कि n की जो वैल्यू है वो कहां से कहां तक है, नेचुरल नंबर 1 से लेकर और 4 तक है, तो 1 से लेकर और मैंने लिख दिया 4 तक है। मैंने क्या लिखा है, एक्स इक्वल एक्स इज सच दैट, ये तो लिखना ही लिखना है, इतना तो आपने लिखना ही लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में, एक्स इज सच दैट एक्स इक्वल टू 3n, एंड 1 की जो जो n की वैल्यू है n की वो है 1 से लेकर 4। आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो कि एक्स इज सच दैट एक्स इज सच दैट एक्स इज मल्टीपल मल्टीपल ऑफ 3, ये 3 का मल्टीपल है। एंड यहां तक आगे बात समझ में, और जो x की वैल्यू, आप x की वैल्यू को भी लिख सकते हो कि x का 3 का मल्टीपल है, ये x है, तो x 3 से लेकर 12, मैंने लिख दिया 3 से 12 तक है, यानी इसका मतलब हो गया ये इसका मल्टीपल है और 3 से 12 है। लेकिन ज्यादा बेस्ट मेथड बेटा 11th के अकॉर्डिंग ऐसा ही होता है, इसको मैं करेक्ट करके मान सकता हूं, ठीक है। दूसरी बात करें हम कि दूसरा क्या दिख रहा फिर हमें, अब ये 2 1 2 2 2 4 2 3 6, इसका मतलब ये तो नहीं है, मेरे को ये ऐसा लग रहा कुछ कुछ कि 2 की पावर 1 2 होगा, 2 की पावर 2 4 होगा, 2 की पावर 3 8 होगा, 2 की पावर 4 16 होगा और 2 की पावर 5 32 होगा, आपको भी ऐसे लग रहा होगा। तो मैं इस पार्ट को लिख सकता हूं b इक्वल टू, सोचो जरा क्या लिखेंगे, पहले तो ये लिखना है x इज सच दैट, है ना। अब ये 2 की पावर नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5, तो मैं लिख दूंगा इसको कि 2 टू दी पावर n है, 2 की पावर क्या है ये n, x इज सच दैट x इक्वल्स टू 2 टू दी पावर n, एंड जो n की वैल्यू कहां से कहां तक है मैंने लिख दिया, n की वैल्यू ये जो n है नेचुरल नंबर उसकी वैल्यू 1 से लेकर और 1 2 3 4 5 तक, तो मैंने लिख दिया 1 से लेकर और 5 तक, इसका मतलब 1 भी आ रहा और 5 भी आ रहा, दोनों इंक्लूड हो रहे क्योंकि इक्वल टू साइन है, यहां तक आया। तीसरा पार्ट अगर मैं बात करूं तो 5 25, ये भी वही दिख रहा है, देखो 5 की पावर 1 5 हुआ, 5 की पावर 2 25, 5 की पावर 3 125, 5 की पावर 4 625, वही दिख रहा हमें। तो यहां पर भी मैं वही लिख रहा हूं बेटा, सी मैंने इसका नाम दे दिया, सेट का कुछ भी नाम देख सकते हो आप, मैंने लिखा x इज सच दैट, ये तो लिखना है आपको।
और यहां लिख दिया मैंने 5 की पावर क्या है, ये एन है, पता चल गया आप लोगों को, x इज सच दैट x इक्वल टू 5 टू द पावर n, एंड मैंने लिख दिया कि n की जो वैल्यू है वो हमारे पास 1 से लेकर 1 2 3 4 4 तक है। ये चीज आ गई समझ में? अब ये क्या दिख रहा है, 2 4 6 8 10 12 क्या चीज है ये? या तो आप 2 का मल्टीपल लिख सकते हो, बिल्कुल है 2 का मल्टीपल, x इज सच दैट x इज मल्टीपल ऑफ 2, खत्म बात। या हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको कि x d सेट मैंने मान लिया, x इज सच दैट x इज इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर। लेकिन बेटा इवन नेचुरल नंबर की अगर मैं बात करूं तो इवन नेचुरल नंबर में जीरो नहीं आता। देखो इवन नंबर में जीरो आता है, लेकिन इवन नेचुरल नंबर में जीरो नहीं आता। इवन नंबर जीरो होता है इवन नंबर, लेकिन नेचुरल नंबर तो वन से होते हैं, इसलिए मैंने लिख दिया इवन नेचुरल नंबर। ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। अब आप 1.1 एक्सरसाइज कर सकते हो, पूरी एक्सरसाइज करो, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे चलेंगे। अगर कोई नहीं आएगा तो वो मैं आपको कराऊंगा, ठीक है? थैंक यू फॉर वॉचिंग, और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और उसको जरूर अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें, ताकि मैं आप लोगों के लिए और अच्छी वीडियो बना सकूं और मैथ्स को मैं और डिटेल में आपको बहुत अच्छी तरह कराऊंगा, इजी मेथड से मैथ कराऊंगा, उसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाऊंगा, बहुत इजी कराऊंगा। थैंक यू बेटा।